फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ लाउंज। आज मैं बना रही हूँ स्किम्ड मिल्क। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत स्पेशल रेसिपी है ये फॉर डाइट कॉन्शियस पीपल। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 लीटर मिल्क, जिसको मैंने एक पैन में निकाल लिया है और अब इसको गर्म होने के लिए हमने छोड़ दिया था। आप देखें दूध में बॉयल आ चुके हैं और इसी तरीके से जैसे जैसे दूध में बॉयल आता जाएगा साथ साथ इसको हम स्पैचुला के साथ इसको हिलाते रहेंगे ताकि उसकी क्रीम की लेयर जो है वो एक साथ जो है वो उसमें बने। साथ साथ इसको हमने स्पून चलाते रहना है जैसे ही इसमें बॉयल आएगा, ताकि जितनी भी फैट है वो सारी की सारी एक बार ही ऊपर आ जाए और उसमें जितने भी फैटी पार्टिकल्स हैं वो सब के सब कम्बाइनली एक लेयर की फॉर्म में सेपरेट हो जाए। यहाँ से आप देखें फिर बॉयल आ चुके हैं और ये प्रोसेस हम 3 से 4 दफ़ा करेंगे। और यहाँ पे मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और दूध को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दूध ठंडा हो चुका है और इस पर एक लेयर आ चुकी है क्रीम की। इसको हम यहाँ से अब स्ट्रेन करेंगे। आप देखें कितना क्विकली और कितना ईजीली इसको हमने रेडी कर भी लिया है। जस्ट यहाँ से क्रीम जो है इसको हम सेपरेट करेंगे और ये 1 लीटर मिल्क जो था उसमें से आप देखें अच्छी खासी क्रीम की एक मोटी लेयर जो है वो यहाँ से रिमूव हो रही है। अपनी डाइट में डेली रूटीन में इसको शामिल करें इस तरह के दूध को, ये बहुत हेल्दी है। इसमें यहाँ पे हमने सिर्फ फैट को रिमूव किया है, फैटी पार्टिकल्स को, अदरवाइज़ बाकी तमाम जो मिल्क की न्यूट्रिशन होती है वो मिल्क के अंदर ही मौजूद है। इसे आप यूज़ करें, स्पेशली आपके घर में जो शुगर पेशेंट्स होते हैं या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये स्किम्ड मिल्क बहुत हेल्दी है। और स्पेशली जो डाइट कॉन्शियस पीपल होते हैं उनके लिए भी ये इसको अपनी रूटीन में शामिल करें। आप देखें एक अच्छी खासी लेयर जो क्रीम की 1 लीटर मिल्क में से हमने सेपरेट की है और बाकी जो मिल्क हमारे पास 1 ग्लास के इक्वल बचे इसको हम स्किम्ड मिल्क कहते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं और ये बहुत हेल्दी है। इसको आप ठंडा करके यूज़ करें या आप गर्म, जैसे भी आपको इसका टेस्ट पसंद हो, ये इसको अपनी रूटीन में शामिल कीजिए और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। जी, और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त अपनी बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुमान में रखें और अपनी रहमतों का साया हम पे हमेशा नाज़िल फरमाते रहें। अल्लाह हाफिज़।